हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने साइक्रोमेट्री के बेसिक स्टडी किए हैं, आज हम उसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम में हमें DVT यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी कि हमें TD दिया हुआ है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, ओके, और वेट बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ है TW 20 डिग्री सेल्सियस, ओके, और हमें बैरोमेट्रिक PV बैरोमेट्रिक प्रेशर दिया हुआ है 740 mm ऑफ HG ऑफ मरकरी, ओके। इसमें हमने फाइंड करना है DVT, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वेपर डेंसिटी एंड एंथैल्पी। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले ये डायग्राम बना लेना, TS डायग्राम बना लेना, ओके। इस डायग्राम में पता है ये हमारे पास होता है PV प्रेशर, यानी कि प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। अगर हमें PV प्रेशर पता चल जाए तो हम PV प्रेशर के कोरस्पोंडिंग जे वाला टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे फ्रॉम स्टीम टेबल, ओके। इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जो हमने फर्स्ट फाइंड करना है, ओके। यानी कि हमें PV पता होना चाहिए। PV फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है PW माइनस जे वाला फॉर्मूला होता है PV फाइंड करने के लिए, ओके। PV फाइंड करना है, उसमें ये PV हमें पता है, TD पता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर टी वेट बल्ब TW यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर भी पता है, ये कांस्टेंट है। यानी कि अगर हमें PW पता चल जाए तो हम PV फाइंड कर सकते हैं। PW क्या होता है? सेचुरेशन प्रेशर कोरस्पोंडिंग टू PW होता है सेचुरेशन प्रेशर कोरस्पोंडिंग टू वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस, ओके। PW है सेचुरेशन प्रेशर। हम स्टीम टेबल में जाएंगे, उसमें हम 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखेंगे। स्टीम टेबल में जाएंगे हम, उसमें एक बार मैं आपको बताता हूँ, 20 डिग्री टेम्परेचर देखेंगे, उसके कोरिस्पोंडिंग हम प्रेशर को नोट डाउन कर लेंगे, यानी कि 0.02337, ओके, इसे हम नोट डाउन कर लेंगे। यानी कि PW हमारे पास है 0.02337 bar, ओके। अभी हमने PW फाइंड कर लिया, यानी कि सैचुरेशन प्रेशर कोरस्पोंडिंग टू दी वेट बल्ब टेम्परेचर। उसके बाद ये जो PV है, इसे भी हमने बार में कन्वर्ट करना है, ओके। PV बार में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 740 × 133.3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। जब हम बार को न्यूटन पर मीटर से बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं हम, तो हम 10^5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें हम रिवर्स कर देंगे, इसे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बार में कन्वर्ट करते हैं कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसे 10^5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बार में। हम बार में इसलिए कैलकुलेट करेंगे क्योंकि स्टीम में जो प्रेशर दिया होता है जनरली बार में दिया होता है, ओके। जो 1 mm ऑफ HG होता है वो इक्वल होता है 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसलिए हमने इसे यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। उसके बाद हम ये सभी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, PW की वैल्यू पुट करेंगे, PV, PW, TD हमें पता है, TW पता है। ये सभी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास PV प्रेशर आ जाएगा। जब हम इसे न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे तो हमारे पास PV प्रेशर आ जाएगा, उसकी वैल्यू मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगी वैल्यू 0.01701 bar, ओके। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास PV प्रेशर आ जाएगा, यानी कि प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, जे वाला प्रेशर आ गया। हम इस प्रेशर के कोरस्पोंडिंग जे वाला टेम्परेचर फ्रॉम स्टीम टेबल फाइंड कर लेंगे, ओके। अभी हम स्टीम टेबल से जे वाला प्रेशर देखेंगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, चाहता हूँ यहाँ पर देखें, हमारे पास प्रेशर है 0.017, यहाँ पर फाइंड करें 0.017,
ओके, इसके कोरिस्पोंडिंग टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जे वाला टेम्परेचर हमारे पास, डी पी टी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमारे पास आ गया 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सोल्व कर दी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की। उसके बाद हम फाइंड करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी से, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई होता है पीवी अपॉन पीएस, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर टू दी सेचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। पीवी हमने फाइंड कर लिया है, जिसकी वैल्यू थी 0.01701। जो पीएस है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? पीएस क्या होता है? सेचुरेशन प्रेशर ऑफ वेपर कोरस्पोंडिंग टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर। हम ड्राई बल्ब इस टेम्परेचर के कोरस्पोंडिंग स्टीम टेबल से प्रेशर की वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे, वो आएगी हमारे पास 0.04242 bar। ओके, इसमें जा रखना, ड्राई बल्ब टेम्परेचर के कोरस्पोंडिंग हम सेचुरेशन प्रेशर पी एस फाइंड करते हैं, और वेट बल्ब के टेम्परेचर कोरस्पोंडिंग हम पी डब्ल्यू फाइंड करते हैं। ओके, पी डब्ल्यू होता है सेचुरेशन प्रेशर कोरस्पोंडिंग टू वेट बल्ब टेम्परेचर। ओके, दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% आ जाएगी। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 0.622 PV / PV - PV। प्रेशर ऑफ वेपर, ये बैरोमेट्रिक प्रेशर है, ये प्रेशर ऑफ वेपर। पीवी हमने फाइंड कर लिया है, जे हमें गिवन है, सभी वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.01091 किलोग्राम/किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। ओके, ये थर्ड स्टेप भी हमने सॉल्व कर दिया, सेकंड भी वन। ओके, अभी हम फाइंड करते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। ये होता है द रेशो ऑफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू मैक्स। ओके, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अपॉन मैक्सिमम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। डब्ल्यू हमने फाइंड कर लिया है, डब्ल्यू मैक्स हम फाइंड कर लेंगे, यानी कि मैक्सिमम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहाँ पर होगी? इस सेचुरेशन प्रेशर पर, जब मैक्सिमम वाटर वेपर एयर कंटेन कर लेगी। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा 0.622 PV को हम पी एस से रिप्लेस कर देंगे। इंटू पी एस अपॉन पी वी माइनस पी एस। पी एस हमने फाइंड कर लिया है सेचुरेशन प्रेशर कोरस्पोंडिंग टू दी ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ओके, उसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.027945 kg/kg ऑफ ड्राई एयर। दोनों वैल्यू आ गई, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ सेचुरेशन आ जाएगा 39.1%। ओके, नेक्स्ट टाइम फाइंड करते हैं वेपर डेंसिटी, इसे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बोल देते हैं, यानी कि ह्यूमिडिटी इन दी टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ओके, इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इंटू पी वी माइनस पी वी अपॉन आर ए इंटू टी डी। टी डी है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ओके, इसमें डब्ल्यू हमने फाइंड कर लिया है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, पी वी हमें गिवन है, पी वी प्रेशर ऑफ वेपर हमने फाइंड कर लिया है, सभी वैल्यू को पुट करेंगे। इसमें जो प्रेशर है वह हमारे पास बार में है, इसे हम न्यूटन पर मीटर स्केयर में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 10^5 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि जो आर ए की वैल्यू है वो हमारे पास है जौल पर के जी केल्विन। जौल किसके इक्वल होता है? न्यूटन मीटर के। ओके, इसलिए हमने इसे भी न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और टेम्परेचर को हम केल्विन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे 30+273। ओके, तो हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर आएगा आ जाएगा। सभी वैल्यू को पुट करने के बाद, सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.01216 kg/m³ ऑफ ड्राई एयर, यानी कि इतने केजी वाटर वेपर प्रेजेंट है 1 m³ ऑफ ड्राई एयर में। ओके, नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं इंथालपी। इंथालपी फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, इसमें हमारे पास टी डी क्या है? टी डी है हमारे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जे हमें पता है 30 डिग्री सेल्सियस। डब्ल्यू इसमें है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जे हमने फाइंड कर ली है। टी डी पी इसमें है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जो हमने फाइंड कर लिया है 15 डिग्री सेल्सियस। इसमें एच एफ जी डी पी क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कोरस्पोंडिंग टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जी हम फाइंड कर लेंगे स्टीम टेबल से। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कोरस्पोंडिंग टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस, इसे हम स्टीम टेबल से फाइंड करते हैं। अभी कितना टेम्परेचर है हमारे पास? 15 डिग्री सेल्सियस, ये 15 डिग्री सेल्सियस है। ओके,
वेपरेशन यानी कि HFG हम फाइंड कर लेंगे इसके कोरस्पोंडिंग, वो हमारे पास आ जाएगी 2466.1 किलो जोल पर केजी। ओके, HFG डीप कोरस्पोंडिंग टू टेम्परेचर 2466.1 किलो जोल पर केजी। ओके, बाकी वैल्यू हमें सभी गिवन है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 57.95 किलो जोल पर केजी ऑफ ड्राई है, ये है हमारे पास इंथाल्पी ऑफ मॉइस्ट। इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।